इतना समृद्ध हो। विश्व को संदेश दिया कि भारत नाम है एक हिम्मत का, एक मस्त मौला जीवन जी हमें आज दर्शा रहे हैं। आधार पर इनका मानना है हमारे देश के एक जवान की मैं तो आज कम है और दिसंबर की ठंड की टोली कमांडर ऐसे संतोष कुमार, चतुर्थ टोली पुलिस कार्यालय के कर्मचारी बनाई गई है जिसके कमांडर है एसआईसी स्कॉटलैंड प्रताप, एवं पंचम टोली थाना जाते तैयार की गई है जिसके कमांडर है एसआईसी अमरेश दुबे। टोली नंबर 9 थाना जाति की महिला कमांडर सीमा ओझा जी के नेतृत्व में और टोली जिसकी कमांडर है महिला सीमा ओझा का निरीक्षण करते हुए बाल निरीक्षण और एक कमांडर प्रथम अनुभव प्राप्त कर अपने स्थान पर पहुंचेंगे। आज को जाने के लिए तैयार हमारे जिलाधीश महोदय के हाथों में और ये जिलाधिकारी मंगला प्रसाद जी के हाथों से खुशियां पूरे आसमान में और ये शांति का प्रतीक भारत में शांति की मंच की सेवा बड़ी यश शोभित हो गया है। परेड कमांडर का अनुरोध मुख्य अतिथि को परेड का निरीक्षण कराने के लिए मंच के पास होगा महोदय उनके पीछे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और राष्ट्रीय ध्वज को परेड के द्वारा सलामी दी जाएगी। उधर राष्ट्रीय ध्वज पर अपने स्थान पर प्रावधान की मुद्रा में खड़े होने का कष्ट करें। हिंदुस्तान ही राज करता है, इसीलिए कहते हैं मैं इसका हनुमान हूं और ये मेरा राम है, मैं इसका हनुमान हूं। हेलो 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 प्रथम टोली द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का मुख्य अतिथि का वालन किया गया तिरकी टोली चतुर लक्ष्मीबाई का प्रतीक महिलाओं की अंतिम दोनों टोलियां कमांडर एस आई सी रेड बहादुर महिला की सीमा ऊर्जा अंत में तृतीय परेड मोटर साइकिल का दृष्टा कमान कर रहे हैं एस आई सी संदीप कुमार दुबे मोटरसाइकिल के दस्ते के पीछे चंद्र राम जो हमेशा दर्शनों के निर्णय करने के लिए कार आता है कमांडर अपने देश के उन महान
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और वीर सैनिकों के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिनके त्याग और बलिदान के फलस्वरूप आज हमें यह दिन देखने को प्राप्त हुआ है। साथियों, आज का दिन हम सबके लिए प्रसन्नता का दिन है, गौरव का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन वर्ष 1950 में हमारा देश एक संपन्न राष्ट्र के रूप में वैश्विक धरातल पर उदित हुआ। आप जानते हैं, जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय में हमारा देश इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1935 में गवर्न होता था। हमारा देश में हमारे देशवासियों द्वारा लिखित कोई संविधान नहीं था, कोई दस्तावेज नहीं था, और यह आकांक्षा पूरी हुई 1949 में। 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से हमारे देश में हमारा संविधान लागू हुआ।